हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 गणित विषयमां चैप्टर नंबर 12 हेरोनू सूत्र अगाउ आपणे चतुष्कोणना आधारित दाखलाओ थी जोया था के एकलू त्रिकोणनू क्षेत्रफळ शोधवुं होय तो एनी ज माटे हेरोनू सूत्रथी लाभ नथी पडतो। चतुष्कोण होय आकार होय छे तो एनी माटे पण आपणे हेरोनू सूत्रथी लाभ पाडी शकीए छे। तो हवे आजे पण आपणे चतुष्कोणना आधारे छे दाखला होगी जेमा आपणे हेरोनू सूत्र छे ई वापरीशु। तो एमा स्वाध्याय 12.2 मा चोथो दाखलो आपणे पूछ्या हता, तेमा रकम छे के एक त्रिकोण अने एक समांतर बाजु चतुष्कोणना क्षेत्रफळ तथा आधार छे ई समान छे। क्षेत्रफळ अने तेनो आधार बंने केवो छे तो ई समान छे। जो त्रिकोणनी बाजु 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर अने 30 सेंटीमीटर होय तो समांतर बाजु चतुष्कोण 28 सेंटीमीटर ना आधार पर रहेलो छे। एटले ई आकृति छे के बनशे के एनी साथे त्रिकोण अने समांतर बाजु चतुष्कोण बन्ने नो आधार छे केवो छे तो के सर्कल। तो एनी माटे ई आकृति छे ई कई आ रीती छे के आ चतुष्कोण छे। चतुष्कोण मां आ त्रिकोण छे, तमे જોઈ શકો છો અહીંયા। तो आए नाम आप ही दें A, B, C, D अने E। आ तेनी ऊंचाई छे, समांतर बाजु चतुष्कोणनी आ ऊंचाई छे के जे लंब होय अने आ काटकोण। आपणे आ रीते जोईए तो अहींया त्रिकोण छे ई कंईक आ रीतनो छे, बराबर। अहींया जो तमने देखाय आवे छे अलग के जेमां त्रिकोण नो जे पायो छे ई ज पायो समांतर बाजु चतुष्कोण अठ्यावीस मांथी पण
चार दू आठ तो बेतालीस गुणिया आठ, आठ दू सोल वरी बदी एक, चार अठा बत्रीस ने एक तैंतीस, तो शू जवाब आयो छत्रीस। हवे क्षेत्रफळ छे, क्षेत्रफळ मैं तमने कीधुं तो कि शू आवशे सेंटीमीटर स्क्वेर, शू आवशे सेंटीमीटर स्क्वेर। प्रथम वाजे એના પછી પાંચમો દાખલો છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ આકારના ખેતરમાં અડધા
वन रोमन आकार वन अने टू तो पहला आपने एक त्रिकोण माटे की बात करी थी जो बने नु माप छे के टू छे सब उसे जो काल आपने आओ एक दाखलो छे करियो तो के बे त्रिकोण वाले बड़ी बाजू से ही समान है तो जो त्रिकोण एक नु क्षेत्रफल मळे एक नु त्रिकोण नु क्षेत्रफल मळशे बी नु ते केम तो बधा ना माप छे केवा छे तो के सरखा छे बरोबर बधा ना माप केवा छे सरखा तो मैं आ त्रिकोण की बात करू पेला त्रिकोण मां तो एमा पण माप छे ई तमने 30 30 અને 48 આવે છે બીજા ની વાત કરો તો 30 30 અને 48 એટલે કે પેલા ત્રિકોણ નું જે ક્ષેત્રફળ હશે ઈ છે બીજા ત્રિકોણ નું ક્ષેત્રફળ હશે તો આપણે ત્રિકોણ 1 માટે ની વાત કરીએ તો ત્રિકોણ આઈ નું ક્ષેત્રફળ તો એમાં बराबर 432 मीटर स्क्वायर थाय। बरोबर अब ये कीधु के तो दरेक गाय ने तो गाय
બીજા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. પ્રથમ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 432. બીજા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 432. તો ટોટલ આપણી પાસે કેટલા થાય? તો કે 864 મીટર સ્ક્વેર છે એ કુલ ક્ષેત્રફળ થાય. કે આ આખા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ક્ષેત્રફળ છે. હવે એમાંથી શું કરવાનું? તો કે આ જે 864 છે એમાં 18 ગાય છે ને એ ઘાસ કરે છે. તો દરેક ગાયને કેટલી છે એ જગ્યા મળે છે એમાં ત્રિરાશિ મૂકવી પડે. કે 18 ગાયને ઘાસ ચરવા 864 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ છે એ જોવે જગ્યા જોવે છે.
लखो बराबर होमवर्क में आप आटलू करवा तो अँ आप आज लेक्चर है।